छोटा सा एक मछलियों का तालाब है और मैं इसमें से एक मछली पकड़ने जा रहा हूं। अरे वाह, मेरे पास दो मछलियां आ गई। चलो, मुझे एक मछली की जरूरत है तो दूसरी को मैं तालाब में वापस छोड़ देता हूं। अब ये जो मछली हमने पकड़ी है, इस मछली की अब हम कुंडली निकालेंगे। इस पर एक नंबर लिखा है और यह नंबर है 27। अब हम इस मछली की कुंडली बनाएंगे। सबसे पहले क्या यह 27 नंबर प्राकृतिक संख्या है? हां, यह एक प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण, क्या यह एक पूर्ण संख्या है? हां, यह एक पूर्ण संख्या भी है। सम, क्या यह एक सम संख्या है? नहीं, यह एक सम संख्या नहीं है क्योंकि यह दो के पहाड़ में नहीं आती, इसलिए 27 एक सम संख्या नहीं है। विषम, क्या यह 27 एक विषम संख्या है? हां, क्योंकि यह दो के पहाड़ में नहीं आती, इसलिए यह एक विषम संख्या है। भाज्य, 27 यह 1, 3, 9 और 27 इन चार पहाड़ों में आती है, अर्थात इसके दो से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अभाज्य, क्योंकि हमने देखा कि 27 एक भाज्य संख्या है तो यह अभाज्य नहीं हो सकती। पूर्णांक, हां 27 एक पूर्णांक भी है। इस प्रकार हमने देखा कि हमने तालाब से एक मछली पकड़ी और फिर उसकी गणित के हिसाब से पूरी कुंडली निकाली कि यह सम है या विषम है, भाज्य है या अभाज्य है। अब मुझे इस मछली की कोई जरूरत नहीं, इसलिए हम इसे वापस तालाब में भेज देते हैं।